देश आज मना रहा 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे, यहां प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रही विकसित भारत। स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, कहा यह दिन आजादी के लिए मर मिटने वाले आजादी के दीवानों का है, ये देश उनका ऋणी है। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियां तोड़ सकते हैं तो 140 करोड़ लोग 2047 तक देश को विकसित भारत भी बना सकते हैं। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की, संकट की घड़ी में साथ खड़े रहने का दिया भरोसा। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का आतंक पर प्रहार, बोले जब देश की सेनाएं सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करती हैं तो हर भारतीय गर्व से भर जाता है। एक समय था जब आतंकवादी मार के चले जाते थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दिया वोकल फॉर लोकल का मंत्र, कहा मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल आर्थिक व्यवस्था का नया मंत्र बन गया है। लाल किले से विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का वार, बोले हम राजनीति का गुणा भाग करके काम नहीं करते, हम नेशन फर्स्ट को ध्यान में रखकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही हैं स्वतंत्र। 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को दिए गए 9 लाख करोड़ रुपए का जिक्र किया। लाल किले से कानूनों में बदलाव पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमने 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया है। सदियों पुराने क्रिमिनल लॉ खत्म कर दिए गए, हमने दंड पर नहीं न्याय पर फोकस रखा। पीएम ने कहा गरीब की मां को आंसू पीकर सोना ना पड़े, इसके लिए बिजली पानी गैस और इलाज मुहैया करा रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा जब नीति और नियत सही होती है तो परिणाम मिलता है। आज प्राइवेट सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किए। लाल किले से नई शिक्षा नीति पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मैं नहीं चाहता कि बच्चे विदेश पढ़ने जाएं, मोटा पैसा खर्च हो। मैं चाहता हूं भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे विदेश के बच्चे यहां पढ़ने आए। पीएम ने कहा मेडिकल लाइन में बढ़ाई जाएंगी 75,000 नई सीटें, इस बजट में इंटर्नशिप पर भी दिया गया बल। कोलकाता में रेप मर्डर पर मचे बवाल के बीच लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच हो, राक्षसी व्यक्ति में डर पैदा होना बहुत जरूरी, उसे पता होना चाहिए कि पाप करने वाले को फांसी पर लटकना पड़ता है। लाल किले से पीएम मोदी ने वर्तमान सिविल कोड को बताया भेदभाव वाला सिविल कोड, कहा जो सिविल कोड कानून को धर्म के आधार पर बांटता है वो सही नहीं, देश में सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। पीएम के भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र, कहा बार बार चुनाव देश की प्रगति रोक रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को पूरा करने के लिए सभी दलों को साथ आना होगा। परिवारवाद पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा परिवारवाद जातिवाद से लोकतंत्र को हो रहा है नुकसान, हम 1 लाख नए फ्रेश ब्लड के नौजवानों को राजनीति में लाएंगे। बांग्लादेश के हालात पर बोले पीएम मोदी, बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा होनी चाहिए सुनिश्चित। लाल किले से पीएम मोदी ने दिए संकेत 2036 में भारत में होगा ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। अपने भाषण के बाद बच्चों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बच्चों का अभिवादन किया स्वीकार। लाल किले से पीएम मोदी ने इस बार 98 मिनट का भाषण दिया, पिछले 10 सालों में दिया गया सबसे बड़ा भाषण। स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले की सजावट रही विशेष, सुरक्षा के भी दिखे सख्त इंतजार।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा, बोले हर देश के हर क्षेत्र के लोगों को 2047 में भारत को विकसित बनाने में योगदान देना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा, शहीदों के बलिदान को किया याद। सिंगापुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न, हाई कमिश्नर ने फहराया तिरंगा। आजादी के रंग में रंगा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, तिरंगे के रंग में किया गया भगवान का महाकाल का श्रृंगार। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा पूरा देश, श्रीनगर में लाल चौक पर भी फहराया गया तिरंगा, देश के अलग अलग हिस्सों से लाल चौक पहुंचे लोग। मुंबई के ठाणे में निकाली गई तिरंगा यात्रा, तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर किया मार्च, झंडे भी बांटे। मुंबई में तिरंगे में रंगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की टीम ने परेड मार्च भी किया, बच्चों के लिए बनाया गया स्पेशल सेल्फी पॉइंट। नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बोले सरकार को करनी चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र। लखनऊ में अपने आवास पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ पुलिस लाइन में फहराया झंडा, डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से ली सलामी, स्वतंत्रता दिवस पर पुलिसकर्मियों को संदेश भी दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी फहराया तिरंगा, बोले आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम आज के दिन उन्हें याद करते हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में सेंट जॉर्ज फोर्ट पर फहराया तिरंगा, 78वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर फहराया झंडा। आज देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में फहराया झंडा, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में मनाया स्वतंत्रता दिवस। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में मनाया स्वतंत्रता दिवस, 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराया झंडा। हैदराबाद में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फहराया तिरंगा, मदरसा जामिया में हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के देवास में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुई महिला कांस्टेबल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़, असामाजिक तत्वों ने अस्पताल में परिसर में घुसकर हंगामा किया, डॉक्टरों से भी मारपीट की गई। कोलकाता में अस्पताल के अंदर घुसे बड़ी संख्या में लोग, बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल में घुसे कुछ लोग अस्पताल की बिल्डिंग पर भी चढ़ते दिखे। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने घुसकर की तोड़फोड़, तोड़फोड़ करने वालों में ज्यादातर युवा शामिल, डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल को नष्ट किया गया। कोलकाता में पुलिस के रोकने पर भीड़ ने की धक्का मुक्की, बेड से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट किए तहस नहस, अस्पताल के अंदर बने पुलिस बैरक को भी भीड़ ने तोड़ डाला। अस्पताल परिसर में घुसकर उपद्रवियों ने जमकर काटा हंगामा, आधी रात हुई तोड़फोड़, सहमे डॉक्टर और स्टाफ, इस दौरान कई लोग हुए घायल। कोलकाता में अस्पताल में घुसे उपद्रवियों से बचने के लिए डॉक्टरों ने छिपकर खुद को बचाया, गर्ल्स हॉस्टल में भी घुस गए थे उपद्रवी, डॉक्टरों ने सुरक्षा की उठाई मार। कोलकाता में अस्पताल में पुलिस ने भीड़ पर किया कंट्रोल, मामले पर बोले पुलिस आयुक्त विनीत कुमार, कहा गलत अफवाह की वजह से बिगड़ा माहौल। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के अंदर से लेकर सड़कों पर भी उपद्रवियों ने काटा हंगामा, दौड़ते भागते नजर आए लोग। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ में लगभग 15 पुलिसकर्मी हुए घायल, पुलिस ने 9 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, वीडियो की पहचान कर उपद्रवियों की तलाश जारी। एमपी के दामोह में पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेन के 8 डिब्बे हुए डीरेल, मालगाड़ी में भरा कोयला पटरी पर बिखरा, ट्रैक खोलने का काम जारी है, हादसे से 11 ट्रेन के बदले गए रूट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश ने लोगों की बढ़ा दी है मुश्किलें, लगातार बारिश से घरों में कैद हुए लोग, प्रशासन से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील।
असम के डिब्रूगढ़ में जोरदार बारिश, शहर के कई इलाकों में दिखा बारिश का असर, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, कई जगह हुआ है जलभराव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश से बदला मौसम, उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत, बारिश से मौसम सुहाना हो चला है। हरियाणा के अंबाला में तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश, बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद कैप्टन दीपक सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, कल डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान दीपक सिंह हुए थे शहीद।